नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है लगातार बड़े झटके जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो हम कल से ही आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे कि देवेंद्र सिंह राणा अलविदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल ही कह चुके थे और आज बीजेपी खेमे में जो है वो शामिल हो चुके हैं। और आज सुबह ही तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश की थी कि आज सुबह बीजेपी खेमे में वहाँ पर दिल्ली हेडक्वार्टर में उन्होंने ज्वाइन किया है। और आज एक और खबर निकल कर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे 17 और लोगों ने जो है वो रिजाइन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मवीर जी हैं। धर्म जी, किस तरह से देखते हैं आप भी रिजाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा है? देखिए, बात यह है, कारण हमें इतना पता है कि जम्मू के लोगों की डिमांड थी कि जम्मू का कोई नेता उभर के सामने आए कि जो जम्मू की बात करे, हर कम्युनिटी के बराबर लेके चले, ना कि एक कम्युनिटी को लेके चले। वो जम्मू के लोगों को मिल गया, मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। और हम सब साथियों ने, जो हम सब साथी सारे सीनियर लीडर हैं, मेरा तजर्बा 26 साल का और सरदार जी 30 साल से हैं, अरशद जी मेरे ख्याल ये भी 29 साल से होंगे, ये भी 28 साल से होंगे, सारे लोग सीनियर हैं। सब ने फैसला किया कि राणा साहब एक अच्छे लीडर हैं और अच्छी बात करते हैं, हमने सबको उनके साथ जाना चाहिए। किसी को कोई लालच नहीं है, सारे अपने अपने घर मेहनत मजूरी करते हैं, इसलिए हमने सब ने फैसला किया हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि जम्मू के हित की बात करेंगे। और सारे लोग, आज जम्मू के लोग चाहते हैं कि नहीं जी, देवेंद्र राणा जैसा लीडर होना चाहिए। सर, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, आपने कहा कि हम उनके साथ सहमत हैं, उनके साथ जाएंगे। एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने 26 साल दिए हैं, क्या 26 सालों में जम्मू के हित की बात होती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जम्मू को लेकर खासकर? देखिए, बात ये है कि अगर 26 साल की बात मैं अपनी बात करूं, जब भी गवर्नमेंट रही, 26 साल तो गवर्नमेंट रही नहीं, जब गवर्नमेंट रही उसने जितना हो सका किया होगा। बीच में मैं जो समझता हूं, सारी गलती किसी भी सरकार को नहीं दी जाती। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो कॉरपोरेटर काम कराने वाले होते हैं वो करा लेते हैं, जो नहीं बोलने वाले होते हैं रह जाते हैं। हमें हमारी भी कहीं ना कहीं कोताही रही होगी, जम्मू वालों की भी, कहीं सरकार की भी होती, कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं। इसलिए जो वक्त के साथ जो करता है, जो मतलब करने वाला होता करता है, ऐसी बात नहीं। हम डिप्टी में 4 साल रहे हैं तो मेरे मतलब हमारे लोगों को पूछ लीजिए, हमने किसी के साथ। आपको क्या लगता है कि जम्मू के हित की बात नहीं होती थी जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे? नहीं, ऐसी बात हमें तो किसी ने रोका नहीं, कभी बात करने की हिम्मत चाहिए। हम डंके की चोट पे करते थे, असेंबली में तो हम गए नहीं, लेकिन जहाँ थे वहाँ हमने डंके की चोट में बात की। अगर फारूक साहब से, उमर साहब से बात हुई होगी तो बड़ी क्लियर बात होगी, मतलब क्लियर बात की होगी, उसमें पीछे हम कभी नहीं रहे। उमर साहब से बात हुई होगी तो बड़ी क्लियर बात होगी, मतलब क्लियर बात की होगी, उसमें पीछे हम कभी नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे, लगातार अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपने फारूक साहब से बातचीत की इस बारे में कि 17 लोग जो है रिजाइन कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फारूक साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना उनकी तरफ से कोई बात आई, ना हमने कोई बात की, ऐसी कोई बात नहीं हुई। राणा साहब जरूर गए, वो मिल के आए, देवेंद्र राणा साहब और सलाथी साहब दोनों गए, मिल के आए, बात करके आए, ऐसी हमारी कोई बात नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ रहे हैं, क्या कुछ क्या लगता है कि क्या गलतियाँ रही हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या जम्मू के हित की बात नहीं होती थी? बराबर होती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी हमारी गवर्नमेंट रही, जहाँ हम अपोजिशन में रहे, तो राणा साहब ने पूरी जम्मू की बात की है, जम्मू कश्मीर की बात की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राणा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर के नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू की बात नहीं करते, जम्मू के हित की बात नहीं करते। चलो, ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन जहाँ तक हमारा मतलब मानना है कि जब भी हम कहीं पे कोई बात होती थी, हम राणा साहब को बताते थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो एक दम उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाती थी, आगे बात होती थी। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं श्रीनगर और जम्मू की, तो हो सकता है उसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंसेस होता होगा, क्योंकि हम लोग जो जम्मू के लोग हैं, हम तो जम्मू की बात करते थे सारे। तो ये मेरे साथ धर्मवीर जी हैं, ये 4 बार हमारे साथ डिप्टी मेयर रहे थे, और पूरे जम्मू को हम 5 लोग थे उस टाइम, और ये 44 बोर्ड लेते थे, ये भी एक उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और लोगों का विश्वास था, तभी 44 मतलब बोर्ड लेके 4 बार लगातार बने हैं। और अब भी हम दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट लड़के, हमने दोनों कॉर्पोरेटर हैं, मैं सेकंड टाइम हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। तो हमारे पास जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे पास ओहदे थे, हमने आज सामने मिलके उसको हमने आज रिज़ाइन किया है। वो इसलिए किया है कि जो राणा साहब हैं, हम उनके साथ चले हैं, उनका काम करने का तरीका, वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे नेता हैं, तो इसलिए आज हम सब ने
ये एक बनाया माइंड बनाया कि उधर उन्होंने ज्वाइन किया, इधर हमने रिज़ाइन किया, और जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे उसके बाद जैसे हमें वो डायरेक्शन देंगे हम उनके साथ काम करेंगे, और जिस पार्टी में भी वो हमें शामिल करेंगे हम वहाँ भी उनका साथ देंगे, हम उनका भी उनको भी मुबारकबाद देंगे और उनका भी वेलकम करेंगे, और उनके साथ चल के जिस जगह भी वो जाएंगे हम उनके साथ भी मिलके काम करेंगे। मैं बातचीत करना चाहूँगा, आपने 30 साल दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर हम बात करते हैं आज क्या मुख्य कारण आ गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ रहे हैं, 30 वर्ष देना एक पार्टी को और एकदम से उसका दामन छोड़ना क्या कारण है? आपने दोनों जो है इंडिपेंडेंट लड़के, हमने दोनों कॉर्पोरेटर है, मैं सेकंड टाइम हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, तो हमारे पास जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे पास ओहदे थे हमने आज सामने मिलके उसको हमने आज रिज़ाइन किया है। वो इसलिए किया है कि जो राणा साहब हैं हम उनके साथ चले हैं, उनका काम करने का तरीका, वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे नेता हैं, तो इसलिए आज हम सब ने ये एक बनाया माइंड बनाया कि उधर उन्होंने ज्वाइन किया, इधर हमने रिज़ाइन किया, और जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे उसके बाद जैसे हमें वो डायरेक्शन देंगे हम उनके साथ काम करेंगे, और जिस पार्टी में भी वो हमें शामिल करेंगे हम वहाँ भी उनका साथ देंगे, हम उनका भी उनको भी मुबारकबाद देंगे और उनका भी वेलकम करेंगे, और उनके साथ चल के जिस जगह भी वो जाएंगे हम उनके साथ भी मिलके काम करेंगे। मैं बातचीत करना चाहूँगा, आपने 30 साल दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर हम बात करते हैं आज क्या मुख्य कारण आ गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ रहे हैं, 30 वर्ष देना एक पार्टी को और एकदम से उसका दामन छोड़ना क्या कारण है? आपने अपने लोगों पे लिखा हुआ है आओ बदले हम, जब वक्त की नज़ाकत होती है फिर अपने आप को बदलना पड़ता है। ये वक्त की नज़ाकत है या फिर हम ये समझे कि कुछ और इशारा है? इशारे तो बहुत दूर तक हैं, आप इशारों में समझ आओ तो अच्छा है। आपने इनको की झटकों की बात, अभी बहुत बड़े बड़े झटके लगने हैं, और रही बात आपने भेदभाव की बात भी की, मैं मेरे सीनियर नहीं बोले लेकिन मैं बोलता हूँ, हमारे ही कुछ लोग थे जो हिंदुस्तान का खाते थे और गुण पाकिस्तान के गाते थे, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब इन मुद्दों पे बात आती है तो हमारा खून खोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसे जम्मू के डोगरों के साथ और जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव भी होता रहा है और हो भी रहा है, अब जो समय की नज़ाकत है उसके मद्देनज़र जो राणा साहब का फैसला है वो बिल्कुल सही है, हम उस फैसले से सहमत हैं। राणा साहब जो रणनीति बनाएंगे हम उनके पथ पर चलने को बिल्कुल तैयार हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा था कि तमाम लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और इसके साथ साथ 17 लोगों ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा है और इस तरह से कहा है कि जिस तरह से राणा साहब कहेंगे हम उसी तरीके के साथ चलेंगे, राणा साहब जिस पार्टी में हमें भेजेंगे हम उस पार्टी में शामिल होंगे। आप इशारा समझ ही चुके होंगे कि किस पार्टी में ये 17 लोग जो है आने वाले समय में ये चेहरे उस पार्टी के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद।